good morning students today i will teach to you a new chapter chapter 5 introduction to the euclids geometry okay so now first we understand uh, what is a geometry so ge geometry is uh, made from uh, two words geo and matrines. okay geo means that is the earth and matrines to the measures दैट मीन्स जीमेट्री मीन्स मेजरिंग अ लैंड ओके जीमेट्री इज अ मेजरिंग अ लैंड जो कि हम जो है लैंड में को कैसे मेजर किया जाता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कितना एरिया है क्या है ये सब पॉइंट्स जो है हम जीमेट्री में स्टडी करते हैं ठीक है नौ एक यूक्लिट्स जो है मैथमेटिशियन थे उन्होंने डिफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पासुलेट्स तीनों चीज़ों दिया है और उनके पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं यूक्लिड्स डिफिनेशंस में जो है ये सेवन पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट पॉइंट ये गिवन है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट दैट मीन्स कि अगर हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो उस पॉइंट का सबसे ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इसके इससे छोटा और कोई पार्ट नहीं बनाया जा सकता है तो ये पॉइंट हमारा ऐसा होता है ठीक है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट इसमें कोई भी पार्ट नहीं होता है ठीक है अब सेकेंड पॉइंट क्या है सेकेंड पॉइंट इनका ये है कि इज अ ब्रेथलेस लेंथ ये लाइन जो है ये सबसे जो है मतलब ये व्रथ uh, में सबसे पतला होता।, मतलब होता है मतलब इससे ब्रिथलेस होता है मतलब इसमें कोई भी जो है इसकी ब्रिथ नहीं होती अगर हम इस लाइन का लेंथ तो मेजर कर सकते हैं लेकिन ब्रथ हम नहीं मेजर कर सकते हैं ये लाइन वही बता रहा है कि लाइन जो होता है ब्रिथलेस होता है ठीक है ना ये उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं वैसी हमारी लाइन होती है थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा है कि लाइन है और लाइन कहीं यहां पर भी एंड हो रहा है द एंड ऑफ लाइन तो आर अ पॉइंट तो ये इस इस पे क्या है ये ये क्या है ये पॉइंट है ना तो लाइन ऑफ लाइन आर अट्स इसके जितने लाइन के अगर एंड होते हैं वो क्या होते हैं पॉइंट होते हैं ठीक है तो एंड ऑफ लाइन इज अ पॉइंट ओके फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई विद द पॉइंट्स ऑन इट्स ठीक है स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन होता है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट सेल्फ जो अपने पॉइंट से बना होता है है ठीक मतलब ये लाइनिंग होता है लाइनिंग पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो खुद के पॉइंट से ही ये लाइन बना होता है ठीक है स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्स ओके okay. अपने खुद के पॉइंट से बनाया नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो कह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या कहा जा रहा है अ सरफेस इज दैट विच लेंथ एंड अ ब्रेथ वन ले ठीक है अगर कोई सरफेस है तो उसका लेंथ है और ये ब्रेथ है ये पूरा आपका सरफेस है ये पूरा ब्लैक बोर्ड आपका सर्फेस है तो इसमें एक लेंथ है और एक ए ब्रेथ है तो इस तरह से ये फिफ्थ पॉइंट होता है ठीक है ना नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पॉइंट इज गिवन अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली ठीक है ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर टाइप का हमने एक सरफेस बनाया है इस सरफेस में ये क्या है ये इसका लेंथ है और ये क्या है ये ब्रेथ है तो कोई भी सरफेस अगर होता है तो वो रखता है और ब्रेथ रखता है तो ये लेंथ रखा है और ये ब्रेथ रखा है ठीक है ना तो ये ए भी ब्रेथ रखा है ये भी लेंथ रखता है तो कोई भी सरफेस जो होता है वो इनका कहना है कि वी की विच लेंथ एंड ब्रेथ ओके नाउ सेवेंथ पॉइंट इज अ गिवन अ प्लेन सरफेस अ सरफेस विच लाइज

वो सरफेस जो है कैसा है लाइन से बना है ठीक है वो सरफेस लाइन से बना हुआ है मतलब ये पूरा ये सरफेस ही है वो लाइन से बना है जिसे आप लोग कपड़े देखते हैं ना कपड़े से उसमें से निकाली तो एक रेशा निकलता चला जाएगा तो ये पूरा एक लाइन की तरह से पूरा वो क्लोथ है या आपका रहता है वही कहना है कि आ, जितना भी प्लेन सरफेस अ सरफेस विच लाइज Evenly with the straight line on itself. अपनी स्ट्रीट लाइन से खुद ये सरफेस बना होता है सेवेंथ पॉइंट यू अंडरस्टैंड अलफिनिशियन ओके ना वी डिस्कस अ नेक्स्ट यूक्लिट्स एक्सियम्स ओके नाउ स्टूडेंट यूक्लिट्स एक्सियम्स euclid axiom is also seven points okay first point is given the things which are equal to the same things ठीक है r equal to one another इसको बहुत कैसे समझना है अब ये कहना ये है कि मान लीजिए ये एक पॉइंट एक लाइन ही है और ये लेंथ बी है और ए बी जो है इक्वल है सी डी से ओके okay? सी और डी से है और यही ए बी ई एफ से भी इक्वल है ओके okay? यही चीज ई e, एफ से भी इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे दैट मीन्स इफ फर्स्ट पॉइंट गिवन इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ई एफ देयर फोर देन तब क्या होगा भाई देन ए भी आपस में इक्वल होगा दैट देन या देयर फोर सी डी इज इक्वल टू ई एफ ओके द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग ए थिंग दो सेम चीज से इक्वल होता है इक्वल टू द सेम थिंग्स इससे और इससे ये इक्वल है तो दे आर द थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर तो वो थिंग्स जो है आपस में भी इक्वल होगा ओके नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट सेकंड पॉइंट क्वल आर एडेड टू द होल्स आर इक्वल इक्वल द इक्वल आर एडेड टू द इक्वल द होल आर इक्वल सपोज दिगर बना रहे सपोज दट दैट इज अबी पॉइंट ओके एंड इट्स लेर सेंटीमीटर ओके फोर सेंटीमीटर एंड सपोज ओके इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल और दूसरा एक ए बी हो गया और दूसरा जो है एक मान लीजिए ये सी डी है ओके दट इज अर दिस इज ऑल्सो इक्वल क्योंकि ए बी और सी डी इफ इक्वल्स आर एडेड अब इक्वल्स में द सेम इक्वल ऐड करते हैं मान लीजिए इक्वल हम दो सेंटीमीटर का इसमें ऐड कर देते हैं या वन सेंटीमीटर सेंटीमीटर एडेड ऑन बोथ ठीक है दोनों पर हम ऐड कर देते हैं बोथ सी डी एंड ए बी ओके तो ये क्या हो जाएगा अब सी डी जो होगा अब लेंथ क्या हो जाएगी भाई ये लेंथ मान लीजिए ये सेंटीमीटर ये सी और डी था और ये जुड़ जाने के बाद ये डी डैश हो गया तो ये सेंटीमीटर हमने ऐड कर दिया ये था ही तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पर भी ये ए बी फोर था लेकिन हमने वन सेंटीमीटर और ऐड कर दिया तो ये बी डैश हो गया तो अब CD dash जो होगा वो फाइव हो, okay? मतलब हो गया इसी तरह से ए बी डैश जो हो गया वो क्या होगा ए बी प्लस बी बी डैश हो गया मतलब ए बी कितना हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव तो यही कहना है कि अगर हम दो इक्वल्स में अगर इक्वल चीज ऐड करते हैं मतलब वन ऐड करते हैं ठीक है टू एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, मतलब ये सी डी डैश जो होगा वो ए बी डैश के इक्वल होगा दैट मीन्स कि ये सी डी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी डैश व्हेन कब इफ ठीक है? अगर सी डी इक्वल है ए बी के और उसमें हम वन ऐड कर रहे हैं तो सी डी जो होगा वो इक्वल होगा ए बी डैश ये था ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट इज गिवेन इफ इक्वल आर सब फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल अगर हम इक्वल में से इक्वल में से जो है सेम इक्वल भी कर देंगे तो जो बचेगा रिमाइंडर होगा वो भी इक्वल होगा ओके तो हियर देखिए वन सेंटीमीटर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ वन सेंटीमीटर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ ओके दोनों में से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो भाई अब देखिए ये वन सेंटीमीटर सपोज दैट ये वन सेंटीमीटर है तो अब जो होगा ओ ये ए पॉइंट हो गया और ये बी डैश हो गया और अब ये थ्री सेंटीमीटर हो गया क्यों क्योंकि वन सेंटीमीटर हमारा जो है ये क्या हो गया सब्सट्रैक्ट हो गया ओके तो अब जो है यहां भी ये सी B डैश हो जाएगा और इसके बाद ये वन सेंटीमीटर हमारा जो है ए तो कहने का सीन ये है कि अगर हम सब्सट्रेक्ट कर देते हैं कहा है कि इफ ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है ठीक है और वन सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम बोथ ठीक है ए बी माइनस वन सी डी माइनस वन तो जो ए बी डैश बच रहा है वो सी डी डैश के इक्वल होगा ठीक है देन क्या होगा ये ऐसा होता है तो हम जो है ए बी डैश जो इक्वल है वो सी डी डैश के इक्वल होता है ओके नाउ फोर्थ पॉइंट इज व्हाट गिवन फोर्थ पॉइंट इज गिवन दैट

ए ए और बी और सी डी ये एक दूसरे को कोइंसाइड करें कोइंसाइड मतलब एकदम एग्जैक्ट ओवरलैपिंग ठीक है एग्जैक्ट ओवरलैपिंग न कोई ये बड़ा है न ये वाला लेंथ बड़ी है ठीक है ना तो जब ये दोनों एग्जैक्ट ए बी और सी डी एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो दे आर इक्वल टू वन अनदर ठीक है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे इक्वल होंगे ओके वो इक्वल होंगे ओके and now next point